नंदिनी कपूर, बाहर आइए मिसेस कपूर। हाउ डेयर यू, मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? यू नो, मैंने सिर्फ अभी के लिए पीहू का एडमिशन मुंबई स्कूल्स में बंद करवा दिया है। क्या चाहती हो तुम कि मैं दूसरे शहरों में भी उसका एडमिशन बंद करवा दूं? क्योंकि मैं ऐसा कर सकती हूँ प्रिया। आप ऐसा ही कर सकती हैं, जानती हूँ मैं। आप एक बहुत ही स्वार्थी लालची औरत है जो अपने फायदे के लिए एक बच्चे की जिंदगी भी खराब कर सकती है, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। और ये सब आपने पैसे के लिए किया है ना? वो पैसा जो उस बच्चे के पापा का है, आपका नहीं। But you know what? ये सब करके कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए प्लीज ये सब मत कीजिए। रियली? क्या करोगी तुम? हाँ, राम को मेरे खिलाफ भड़काओगी या भीख मांगोगी? इमोशनली ब्लैकमेल करोगी? पीहू को यूज करके उसका एडमिशन करवाओगी? हाँ, बिल्कुल उस तरह जिस तरह तुमने अपनी जॉब लगवाई है ना? मैं आपकी तरह नहीं हूँ। oh. मिस्टर कपूर से कुछ भी करवाने के लिए मैं अपनी बेटी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। वो शायद इस वक्त पीहू को भूल गए हैं, लेकिन उसे प्यार करना अभी तक नहीं भूले हैं। जब पीहू ने मिस्टर कपूर को बताया कि उसका एडमिशन कहीं नहीं हो रहा है, तो वो परेशान हो गए, वो बेचैन हो गए। और उन्हें पता था पीहू की माँ लवली अपने बॉस की मदद तो कभी नहीं लेंगी। तो आपको पता उन्होंने क्या किया? एक्चुअली आप खुद देख लीजिए। नंदिनी कपूर, एडुकेशन फाउंडेशन? हाँ, मिस्टर कपूर ने अपनी प्यारी मॉम यानी कि आपके नाम पर ही ट्रस्ट स्टार्ट किया है, उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई करना चाहते हैं पर पैसे ना होने की वजह से नहीं कर पाते। अब ये ट्रस्ट बहुत अच्छे अच्छे जो स्कूल्स हैं मुंबई के, उनको फंड करेगा ताकि वो बच्चे पढ़ सके। और जानती है इस नेक काम की शुरुआत किस बच्चे से हो रही है? पीहू से। पूरे 50 करोड़ रुपए दिए मिस्टर कपूर ने इन बच्चों की पढ़ाई के लिए। क्या हुआ, आप तो खुशी नहीं लग रही? हाँ, आप क्यों खुश होंगी? आप तो चाहती ही नहीं थी कि पीहू पढ़े, उसके हिस्से के जो पैसे हैं वो सब आप हड़पना चाहती थी। पर जानती हैं, अब उन पैसों से मिस्टर कपूर हजारों और बच्चों की पढ़ाई स्पॉन्सर करने वाले हैं। ये सब तुमने राम को बहला फुसलाकर करवाया है ना? बिल्कुल नहीं, मैंने बस अपनी बेटी को उसका हक दिलाया है और उसे उसकी हैप्पी फैमिली भी दिला दूंगी मिस्टर कपूर को सब कुछ याद दिलाकर। आज पढ़ाई की इतनी बातें हो गई हैं, तो एक चीज तो आपको भी सीख लेनी चाहिए कि बार बार मुझे हराने के लिए मेरी बेटी का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि आज तो सिर्फ आपके पैसे गए हैं, कल आप खुद सड़क पर आ जाएंगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.